बीते दिन पुड़ैया हाट अंतर्गत कारूडी लूट के बाद हत्या मामले का आज पुलिस ने किया उद्भेदन। बता दें कि एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बांका के अमरपुर थाना अंतर्गत लूटी गई लाल रंग की अपाचे गाड़ी को बरामद करते हुए घटना में संलिप्त अपराधी 22 वर्षीय शुभम कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिनांक 13/6/23 को रात्रि में पुड़ैया हाट को कारूडी ग्राम के पास 3-4 अपराध कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल चालक एक जा रहे थे, उनको रोक करके उनके साथ छीनछोड़ किया गया, लूटपाट किया गया और जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में पुड़ैया हाट थाना में 114/23 सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया और कांड दर्ज होने के तुरंत बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके त्वरित उद्भेदन के लिए एक एसआईटी टीम का गठन एसडीपीओ गोड्डा के नेतृत्व में किया गया। इसमें एसआईटी टीम में हमारे पुलिस निरीक्षक पुड़ैया हाट दिनेश लाल, थाना प्रभारी जो अभी प्रभार में है वहाँ प्रवीण कुमार मोदी, थाना प्रभारी मुफस्सिल गजेश, सब इंस्पेक्टर अमित अभिषेक, मुकेश कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर जो अभी नगर थाना में हैं वहाँ राजेश मंडल हैं और जो भी सारे पदाधिकारी थे इनका एक टीम बनाया गया और त्वरित निष्पादन के लिए जो भी टीम था 3-4 जगह जहाँ जहाँ पर ये मिला उसको वहाँ पे भेजा गया और वो छापामारी के क्रम में बांका जिला के अमरपुर थाना अंतर्गत वहाँ से लूटी हुई मोटरसाइकिल जो मृतक का था वो बरामद किया गया और वहीं से एक शुभम कुमार शाह को जो खैरा ग्राम का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई और उसी के कन्फेशन के आधार पे उसके निशानदेही पे जो इस घटना में दो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था वो दोनों मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इसमें कुल 3 अभियुक्त थे जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी 28/5/23 को पिछले महीने में कुछ घटना घटी थी, इसी तरह का ये मोटरसाइकिल जो है छीन छोड़ किया गया था। उस संबंध में पुड़ैया हाट थाना में भी कांड दर्ज है, उसमें आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में भी इनके द्वारा जो है ये स्वीकार किया गया है जो कौन कौन आदमी उसमें थे, उसमें 4 आदमी थे इसमें जो घटना को कारित किया गया है, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जा रही है और जो भी इसमें मोटरसाइकिल छीनी गई है उसकी बरामदगी के लिए त्वरित छापामारी हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनको माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, ये बिहार का ही गिरोह है क्या? ये बिहार का ही गिरोह, सारे सदस्य बिहार के हैं? सारे सदस्य बिहार। इसमें कितने लोग थे सर? इसमें 3 लोग थे। इसका पहले का आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास है इसमें, पूर्व में भी इनके द्वारा घटना की गई है और जो भी कुछ घटनाएँ हुई हैं बिहार में उसके बारे में हम लोग रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं, धीरे धीरे अनुसंधान में सारी बातें आ गई। सर, बिहार का गिरोह यहाँ आके सक्रिय है क्या? कोई लोकल लिंक्स भी मिले हैं यहाँ पे? ऐसा है ना, बिहार और बांका जो है एकदम पूरा एकदम एडजेसेंट है, आसपास ही, तो ऐसे भी लोग घूमने के लिए आते हैं और उसमें जो भी उनका अपना प्लानिंग होता है, युवक लोग जो बनाते हैं जो अपराध कर्मी हैं और उसके बाद बाइक से वहाँ आते हैं, उसके बाद घूमते हुए चूँकि पुड़ैया हाट एकदम जस्ट बगल में है, हम उधर से हंसरिया आया, हंसरिया से उधर से इन करता है पुड़ैया हाट थाना में रोड पे है और रात्रि में जो बाइक से लोग जाते रहते हैं उनको ये करके वो धरना किया गया।